सर्वांग समता की उपयोगिता, यूसेज ऑफ कंग्रुएंसी। सर्वांग सम आकृतियों व सर्वांग समता का उपयोग हमारे वास्तविक जीवन में तो होता ही है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी पुलों, भवनों और टावरों के निर्माण में भी सर्वांग समता दिखाई पड़ती है। हमने इस अध्याय में क्या सीखा, एक बार इस पर नज़र डालें। आइए, एक, ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि उनके आकार व माप समान हो। दो, समान त्रिज्याओं के दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तीन, दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी भुजाओं की माप समान होती हैं। चार, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जब उनके शीर्षों की संगतता इस प्रकार हो कि उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण समान हो। पाँच, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे हम साइड एंगल साइड के नाम से जानते हैं। छः, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और बीच की भुजा के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे हम एंगल साइड एंगल के नाम से पहचानते हैं। सात, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इन्हें हम एंगल एंगल साइड के नाम से पहचानते हैं। आठ, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नौ, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दस, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो भी वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ग्यारह, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे हम राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड के नाम से पुकारते हैं। 12, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। 13, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। 14, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 15, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 16, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है तो इसे इस प्रकार लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यूआर। 17, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव या भाग या अंग को सत्रिसभ यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या सीपीसीटी यानी करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से प्रदर्शित करते हैं।